ऑल प्रेज्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहला वाला हमने सेंटेंस पढ़ा, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। ठीक है, चले जैसे कि हमने अभी अभी ये सेंटेंस देखा, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि इसका अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो शायद ही कोई होगा जिसको पता होगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, शायद ही कोई होगा, है ना। तो यहाँ पर वो कोई कौन है ये तो हमें नहीं पता है ना, शायद ही कोई होगा, वो कोई कौन है। ठीक है, वो तो हमें नहीं पता है ना कि किस, वो जो कोई वर्ड यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है ना। और हो सकता है कि एक ना हो, दो ना हो, तीन ना हो, ज़्यादा हो, है ना। क्वांटिटी भी नहीं पता है, नंबर भी नहीं पता है। इसको और अच्छे से हम सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है ऑल प्रेज हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, सभी ने उसको उसकी ईमानदारी के लिए प्रेज किया, ठीक है, शाबाशी दी। तो ऑल, अब ऑल यहाँ पे किया जा रहा है मतलब सभी ने। अब सभी की हमें क्वांटिटी तो नहीं पता ना कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ पर्सन थे जिसने उसको प्रेस किया, है ना, ये नहीं पता है ना कि कितने लोग थे। अब जैसे लिखा है समबडी हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली, लेकिन किसने चुराई ये तो नहीं पता है ना, मतलब डिफिनाइट नहीं है ना कि हम किसी के ऊपर शक करें कि हाँ इसी ने मेरी वॉच चुराई है। ठीक है, मैनी ऑफ देम वर पंजाबीज, उनमें से बहुत से पंजाबीज थे, उनमें से बहुत से पंजाबीज तो थे लेकिन ये नहीं पता कि कितने पंजाबीज थे। ठीक है, तो ये सारे जो रहते हैं वो सब कौन से तो ये सारे जो प्रोनाउंस हैं ये क्या है कि हम डिफिनाइट नहीं है, है ना, हमें पता नहीं है, किसी भी पर्टिकुलरली डिफिनाइट नहीं है। ठीक है, ये किसी पर्सन या थिंग को रिफ़र नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनडिफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है, जिसमें हमें किसी भी पर्सन या फिर थिंग की आइडेंटिटी पता ना हो, ठीक है, कि वो कौन है, कितने हैं, नंबर भी ना पता हो, ठीक है, और साथ ही साथ आइडेंटिटी भी ना पता हो कि वो कौन है, वो कितने लोग थे, ये दोनों चीज़ें नहीं पता हो या दोनों में से एक भी चीज़ नहीं पता हो, तो वो कौन से प्रोनाउंस कहलाते हैं, इनडिफिनाइट। तो इनडिफिनाइट प्रोनाउंस में ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वन, ऑल, समबडी, नन, मैनी, अदर्स, ये सब किस में आते हैं, इनडिफिनाइट प्रोनाउंस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ठीक है, ये किसी ने जो भी सब्जेक्ट होगा उसी को ही रिलेट करता है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ रिलेटिव प्रोनाउन एज इट्स नेम सजेस्ट स्टैंड फॉर अ नाउन मेंशन बिफोर इट एंड आल्सो रिलेट्स टू सेंटेंसेस। ठीक है, मतलब दो सेंटेंसेस को रिलेट करता है और साथ ही साथ जो नाउन होता है उसी के लिए ही वो उस प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब ये नाउन को रिलेट करता है। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए, I met Sachin, he had just come. ठीक है, तो I met Sachin, he had just come. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, I met Sachin who had just come. ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैं सचिन से मिला जो कि अभी आया। ठीक है, तो जो कि ये सचिन को ही रिलेट कर रहा है ना, है ना, और ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट भी कर रहा है। देखिए पहले क्या था कि दो अलग अलग सेंटेंसेस लिखे थे, I met Sachin, फिर फुल स्टॉप, फिर ही हैड जस्ट कम, और उसके बाद जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया तो आई मेट सचिन हु हैड जस्ट कम, ठीक है, जो कि अभी आया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस प्रोनाउन ने दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, मतलब दोनों जो दो सेंटेंसेस आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, उनको एक रिलेटिव वर्ड से कनेक्ट कर दें। ठीक है, और वो जो रिलेटिव वर्ड होता है वो हमेशा किसके लिए रहता है, नाउन के लिए। ठीक है, जैसे दिस इज़ द हॉर्स इट वॉन द रेस, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ द हॉर्स विच वॉन द रेस। ठीक है, तो यहाँ पर विच ने इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया। और यहाँ पर भी आप लोग एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि जो हिंदी में इनका मतलब आता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका हिंदी में मतलब अधिकतर यही आता है, जो कि, ठीक है, अधिकतर क्या आता है, जो कि, दिस इज़ द हॉर्स विच वॉन द रेस। ठीक है, ये वही हॉर्स है जिसने की रेस जीता, जिसने की, जो की, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किस में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, इसका एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है दिस इज़ द मैन हिज सन इज़ हेयर, ठीक है, दिस इज़ द मैन हुज सन इज़ हेयर। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने यहाँ पर क्या यूज़ लिखा है, हुज, ठीक है, जिसका, जिसको, यही सारे वर्ड्स आएंगे, याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन में। जैसे लिखा हुआ है दिस इज़ द मैन हुज सन इज़ देयर, हिज, सॉरी, हुज सन इज़ हेयर,
तो इसका मतलब क्या है, ये वही आदमी है जिसका बेटा यहाँ है। तो यहाँ पर नाउन क्या है, मैन, और उसी मैन के ही बेटे की बात की जा रही है। नाउन क्या है, मैन, और मैन के ही बेटे की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये मैन को ही रिलेट कर रहा है और साथ ही साथ दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनमें वर्ड कौन से आते हैं, विच, हुज, हुम, दैट, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आते हैं। और साथ ही साथ देखिए, कोई भी अगर वर्ड दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो हम उसको कंजक्शन भी बोलते हैं ना। कोई भी वर्ड जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है तो उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इनको हम कंजक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट प्रोनाउन है इंटरोगेटिव, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। ये जो हुज, व्हाट, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो हुज, व्हाट, हुम, ये वाले वर्ड्स आते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे आपको एक्सरसाइज दी जा रही है, उसको फिल करिए, ठीक है। और ग्रुप में जो सबमिशन टाइम है वो 6:30 to 8:30 है। ओके, थैंक यू।